सारे बच्चे अभी स्कूल के एग्जाम्स में बिजी होंगे, खूब जोर शोरों से तैयारी चल रही होगी एंड हो सकता है बहुत सारों के भी एग्जाम स्टार्ट होने वाले हों और बहुत सारे एग्जाम्स से स्कूल एग्जाम से फ्री हो गए हों। बट इस सब के बीच में तुम्हें लग रहा होगा कि क्या तुम्हारा टाइम वेस्ट हो गया है और IUPUG से एग्जाम प्रिपरेशन, क्या स्कूल के लिए तैयारी करते हुए इतना टाइम डिवोट करते हुए कहीं तुम IUPUG जूनियर साइंस ओलंपियाड में पीछे ना छूट जाओ, पीछे ना पड़ जाओ। सो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। जैसा कि आप सबको पता है IUPUG एग्जाम का जो ऑफिशियल सिलेबस आता है वो आता है हमारा 9th और 10th क्लास का जो करिकुलम रहता है NCERT। सो अगर आप उन सारे चैप्टर्स को पढ़ रहे हो व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर स्कूल एग्जाम, दैट मींस यू आर going to perform even better in your IUPUG exam, because हर साल साइंस में, मैथ्स में, IUPUG एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट 9th और 10th क्लास के सिलेबस से होते हैं। सो नाउ मोर पॉजिटिवली विद मोर एनर्जी फोकस ऑन योर स्कूल एग्जाम, बिकॉज इसकी तैयारी से वो सारे चैप्टर्स कवर हो रहे हैं जो IUPUG का ऑफिशियल सिलेबस है एंड एवरी ईयर क्वेश्चन उसमें से आता ही आता है। सो यू आर नॉट मिसिंग आउट एनीथिंग while preparing for your school exam के IUPUG नहीं छूट रहा है, बल्कि IUPUG की तैयारी और खूब और बढ़िया तरीके से हो रही है। सो टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, स्कूल एग्जाम्स दे आर एन अपॉर्चुनिटी टू प्रिपेयर इवन बेटर फॉर योर IUPUG। वो सारे चैप्टर जो शायद आप नहीं पढ़ते IUPUG के लिए, बट उनसे क्वेश्चन आता है, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट यू ऑल आर कवरिंग फॉर योर स्कूल एग्जाम्स। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्कूल एग्जाम्स।